कहानी एक सिगरेट, लेखक यशपाल। दमती ब्राह्मणी है परंतु छोटी जात की। छोटी जात इसलिए कि ब्राह्मण होकर भी उसके घर के लोग हल जोतते हैं। कठिन मेहनत और धरती के मैल से उनके शरीर गंदे हो गए हैं। इसी कारण इन परिवारों का व्यवहार और इनकी भाषा भी मैली हो गई है। वे मान आदर खो बैठे हैं। इन ब्राह्मणों को जीवन निर्वाह के लिए ही कठोर और गंदा काम करना पड़ा। यदि इन्हें ऐसा न करना पड़ता तो उनके वंश परंपरा में व्यवहार की पवित्रता बनी रहती, साथ ही साथ उनकी भाषा भी अपवित्र न होती। तब उनकी बेटी का नाम भी उनके सामाजिक सम्मान के अनुकूल होता। हो सकता है तब उसका नाम दमती न होकर दमयंती होता। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के रास्ते में कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग आते हैं। इन्हीं के बीच सड़क से 5-6 मील दूर कनार गांव है। यही गांव दमती का ससुराल है। है क्या कहिए, था। दमती का विवाह 10-12 साल की उम्र में हो गया था। विवाह के बाद दमती 1.5-2 बरस मायके में ही रही। उस समय अधिकतर गरीब गढ़वाली फौज में भर्ती हो जाते थे। दमती के दूल्हे बजदत्त ने भी फौज में रंगरूट भर्ती होने का मन बनाया। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग थे। घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए भर्ती के लिए लैंसडाउन जाने से पहले वो दमती को मायके से ले आया। दमती बड़ी आज्ञाकारिणी बहू थी। सास की हर पुकार पर उसका एक ही उत्तर होता, आई अम्मा। ऐसी बहू पाकर बजदत्त की माँ को थकान भी अधिक होने लगी। वो अपने सारे काम धीरे धीरे बहू के लिए छोड़ने लगी। सास आम तौर पर कहती रहती, जाने क्यों बदन गिरता ही जा रहा है। दमती पशुओं के लिए चारा लाती, रसोई के लिए ईंधन और पानी लाती, खेत में खाद डालती। इन सब से फुर्सत पाती तो सास की टांगें और कमर भी दबा देती। दमती की सास अक्सर बीमार रहती। कभी दांत दर्द करने लगते तो कभी आँखें सूज जाती, कभी टांगें दर्द करने लगती हैं तो कभी पेट में वायु का गोला सा बन जाता। लोग इसके लिए तंबाकू के धुएं का दम लगा लेने की सलाह देते, परंतु एक तो औरत, उस पर से ब्राह्मण, तंबाकू पिए तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी कष्ट का इलाज तो करना ही था, इसलिए सास ने दमती को एक रास्ता सुझाया। कहा कि वो अपने ससुर की पुरानी छोटी गुड़गुड़ी ले आया करे, उसके नारियल में बिना पानी डाले चिलम में तंबाकू और आग रख लाए। इस तरह सास ओबरी में बैठकर चुपके से दम लगा लेती। दमती सास के ये सब रहस्य भी ढके हुए थी। ससुराल आकर दमती के शरीर की उठान खूब उभर आई थी। शरीर में जोबन की मादकता छाने लगी थी, ऐसे जैसे फल का आकार पूरा हो जाने पर उसमें रस और रंग आने लगता है। उसके चेहरे पर लुनाई और आंखों में चमक आ गई थी। बजदत्त पिछले बरस सिपाहियों की 28 दिन की छुट्टी पर घर आया था। वापस लौटते समय उसका मन ऐंठ ऐंठ कर रह गया। दमती की चाह उसके मन में गहरे तक बस गई। छावनी में भी उसके पांव हरदम अपने गांव की ओर उठने के लिए मचलते रहते। बजदत्त ने पलटन में सिगरेट पीना सीख लिया था। अकेले लेटे लेटे वो सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता, चुटकी बजाकर राख झाड़ता, फिर अपने मुंह से निकले सिगरेट के धुएं में अपनी बहू की कल्पना करने लगता। ये सिगरेट के कश क्या थे, दमती के लिए आहें थीं। बजदत्त ने कंपनी के सिपाहियों से तिकड़म लगाकर बारी से पहले ही छुट्टी ले ली, यानी इस बार वो 9 महीने बाद ही छुट्टी आ गया। लैंसडाउन से चलते समय उसने कई चीज़ें खरीदी। बाप के लिए एक जोड़ा पुराने फौजी बूट लिए, माँ की बंडी के लिए एक टुकड़ा मोटा कपड़ा लिया, दमती के लिए केले के रेशम की धूप छांव रंग की एक खूब चमकदार साड़ी खरीदी, साथ ही चांदी के झुमके, सुरमादानी और ऐसी ही कुछ और चीज़ें भी रख लीं। छावनी में सड़क के किनारे पर्दा खड़ा करके संदूक जैसे कैमरे से फोटो खींचने वाला खड़ा रहता था। बजदत्त ने उससे अपना एक छोटा सा फोटो भी बनवा लिया। उसे तो केवल 28 दिन घर में रहकर फिर छावनी में लौट आना था। सोचा बहू फोटो देख देख कर उसे याद करेगी। बजदत्त को इस कल्पना से संतोष होता। छावनी में बहू की याद आती थी तो वो सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचा करता। सिगरेट के धुएं से सिर घूम जाता तो बहू के साथ होने की कल्पना करने लगता।
उसके मन में था कि घर जाएगा तो ऐसे ही कश लगाकर बहू को प्यार करेगा। बजदत्त के छुट्टी पर जल्दी आ जाने से माँ बाप को अच्छा ही लगा था, परंतु इस बार लड़के ने पिछले बरस से आधी ही कमाई उनके हाथ में रखी। माँ बाप इसका संबंध उसके जल्दी छुट्टी आ जाने से नहीं लगा सके। बजदत्त को इस बार 9 ही महीने की तनख्वाह मिली थी, उसी में से वो माँ बाप के लिए सामान ले आया। दमती के लिए भी साड़ी, चांदी के झुमके और दूसरी चीज़ें ले आया था। सिपाहियों की संगत में कुछ सिगरेट विगरेट का भी शौक करने लगा था, लेकिन बजदत्त के माँ बाप को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो अपने हाथ में पहले से आधा पैसा पाया, साथ ही बहू के लिए कीमती साड़ी और गहना आते देखा, उनका माथा ठनका। ये क्या, ये बहू तो डायन है, इसने तो लड़के को वश में कर लिया है। बजदत्त छावनी से कुछ नए ढंग भी सिखाया था। दिन भर घूमता फिरता, खेती बाड़ी के काम में उसका मन न लगता। बंदूक चलाने वाले हाथ हल फावड़े को क्या छूते। वो घूमता फिरता 5 मील परे चट्टी तक चला जाता, वहां से थोड़ी मूंगफली या मिठाई ले आता और चुपके से बहू को दे देता। लिहाज छोड़कर अपना बिस्तर ऊपर रसोई में लगा लेता। दमती के किसी काम में लगे रहने से उसे अबेर मालूम होती तो पुकार बैठता, अरियो प्यास लगी है, पानी दे जा, और फिर बहू को लौटने ना देता। इतना तो माँ बाप भी देखते थे और मन मार कर चुप रह जाते थे, कुछ वो नहीं भी देख पाते थे। बजदत्त आराम से लेट कर सिगरेट निकाल लेता, दमती को चूल्हे से सिगरेट सुलगा लाने के लिए कहता। दमती सिगरेट सुलगा देती तो वो खूब लंबा कश खींचता, दमती को बाहों में दबा लेता और सिगरेट थमी मुट्ठी उसके मुंह पर रख देता, जिद करता कि वो भी पिए। दमती को पहले तो धुएं से खांसी आई और घबराहट हुई, फिर धीरे धीरे मजा आने लगा। तमाकू के धुएं से सिर घूम जाता तो दमती आंखें मूंद कर पति के सीने पर सिर रख देती। दमती को भी ये सब बहुत अच्छा लगता। बजदत्त की छुट्टी से लौट जाने से पहले ही सास का मन बहू से फट गया था। लड़के के चले जाने पर सास का व्यवहार और भी कड़वा हो गया। दमती भी चिढ़ने लगी, जाने बुढ़िया को क्या हो गया है, सब कुछ करते धरते भी गाली देती रहती है। दमती भी उपेक्षा करने लगी, सुनकर भी न सुनती। सास का क्रोध और जलन भी बढ़ने लगी। दमती सास से दूर रहने लगी, ईंधन पानी या घास के लिए जाती तो पहर भर लगा देती। सास घर पर होती तो वो गौघर की खाद फेंकने के लिए खेत पर चली जाती, सास खेत पर होती तो वो घर बैठी रहती। दूर जाने का अवसर ना होता तो गौ घर की परछत्ती पर ही जा लेटती। अब घर और खेती के काम में उसका भी मन न लगता। पहले पहले इकलौते बेटे की बहू का लाड़ था, कुछ अपने आराम का ख्याल भी था, इसीलिए सास ने दमती से कहा था, सब तेरा ही है, मैं क्या छाती पर रख के ले जाऊंगी, तू ही संभाल। ये कहकर उसने घर दमती के हाथों में सौंप दिया था। 3 के दोनों बक्सों की चाबियां भी उसे दे दी थीं। सास के चांदी के 3-4 गहने भी इन्हीं बक्सों में थे। नाराज हो जाने पर सास ने सब लौटा लिया, बक्सों की चाबियां भी अपने घाघरे के नाड़े में बांध लीं, यहां तक कि रांधने के लिए आटा चावल भी खुद ही देने लगी। राशन भी वो अपनी मुट्ठियों से नाप कर देती, वो भी इतना कम कि सास ससुर के खा लेने पर बहू का पेट भरने लायक न बचता। जलन में सास गालियां देती रहती कि डाइन ने बेटे का नाम उसकी तरफ से मोड़ लिया, जो कमा कर लाया उसी को ही दे दिया, खसम की कमाई छिपा ली और खाती है मेरे सिर। बजदत्त के दिए झुमके सिर धोते समय बालों में उलझ जाते। एक दिन दमती सिर धोने गई तो झुमके निकलकर ओबरी के आले में रख गई, लौटने पर सभी जगह ढूंढा पर ना मिले। सास से पूछा तो वो गाली देने लगी, हाय देखो डाइन को, अपना गहना खुद छुपाकर मेरे से चोरी लगाती है। दमती आंसू पोंछकर चुप रह गई। एक दिन उसकी सुरमादानी भी गायब हो गई। बजदत्त छावनी लौटते समय अपना फोटो उसे दे गया था। दमती ने फोटो दिबिया में बचे हुए एक सिगरेट के साथ रख लिया था। सास फोटो भी ना चुरा ले इस डर से दमती ने वो डिबिया छिपा दी। उसने डिबिया गौ घर की परछत्ती की एक धन्नी में खोस कर रख दी। सास की गालियों की मात्रा बढ़ती जा रही थी, साथ ही दमती की रसोई के लिए दिया जाने वाला अन्न घटता जा रहा था, इतना कि उसका पेट ही न भरता।
एक दिन दमती ने देखा कि सास ने आटा और भी घटा दिया। दमती ने सोचा, हाय मैं क्या खाऊंगी। सास किसी काम से रसोई से बाहर गई, तभी दमती ने स्वयं कठौते से 2-3 मुट्ठी आटा निकालकर परात में डाल दिया। सास ने पलटकर देख लिया। सास पास पड़ोस के लोगों को सुनाकर दमती को चोर कहने लगी। बुरी बुरी गालियां देते हुए बोली, जाने इस डायन का कितना बड़ा पेट है। सास का क्रोध भड़क उठा, वो बकती ही जा रही थी। दमती गुस्से में परात पटक कर रसोई से निकल गई। उसे जोर की रुलाई आ रही थी। वो गौ घर की परछत्ती पर जा लेटी, कुछ देर रोती रही। भूख लग रही थी। वो सोच रही थी, बजदत्त जाने कब आएगा, उसके आने तक तो सास मुझे भूखों मार डालेगी। सास ने रोटी सेंक ली, ससुर को खाने के लिए पुकारा, बर्तनों की आहट हुई। इससे दमती ने जान लिया कि गुस्से में सास आप ही बर्तन मांजने के लिए पिछवाड़े चली गई है। दमती की आंतें भूख से कुड़मुड़ा रही थीं। तभी ऊपर परछत्ती में खोसी हुई सिगरेट की डिबिया पर उसकी नज़र पड़ी। सोचा, सिगरेट ही पी ले। सिगरेट निकाल कर वो उसे सुलगाने के लिए दबे पांव रसोई में पहुंची। दमती छिपकर रसोई में गई थी, परंतु सास को आहट मिल गई। उसने भांपा, राण रूठ कर डराती है और अब चोरी करने आई है। वो बर्तन छोड़कर दमती की चोरी पकड़ने के लिए दबे पांव ऊपर आई। मन ही मन वो बड़बड़ाती जा रही थी, अभी चुड़ैल के झोंटे में आग लगाए देती हूँ। सास ने रसोई से झांक कर देखा, दमती चूल्हे के सामने बैठी मुट्ठी में सिगरेट थामे कश खींच रही थी। सास की आंखें चढ़ गईं और मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे आकाश से पत्थर आ पड़ा हो। सास होश में आई तो चीख उठी, अरे देखो राण को, सिगरेट पी रही है। हाय ये तो बाजार की रंडी है। हाय रे, तभी तो मेरे लड़के पर जादू कर दिया। पैसे चुराती है और चट्टी से सिगरेट लाकर पीती है। हाय रे, ये तो बस्ती के लौंडों को बहकाएगी। सास नीचे आंगन में आकर बाहें फैला फैला कर पड़ोस के लोगों को सुनाने लगी। ससुर रोटी खाकर विश्राम कर रहा था। वो दीवार के साथ पीठ टिकाए हाथ में गुड़गुड़ी थामे पी रहा था। कोलाहल सुनकर बूढ़ा कश खींचता हुआ ऊपर रसोई में पहुंचा, फिर क्रोध में चिल्ला कर बोला, हरामजादी निकल इस घर से। ब्राह्मण के घर बाजार की रंडी कहाँ से आ गई। निकल अभी, नहीं तो अभी दांव से तेरी मुनिया काटता हूँ। दोपहर में खेती से कलेवा करने आए पास पड़ोस के लोग भी झोपड़ियों में ही थे। वो शोर सुनकर बजदत्त के द्वार पर इकट्ठे हो गए। स्त्रियाँ पिछौरी के पल्लू होठों पर रखे चकित खड़ी थीं। सभी बूढ़े बूढ़ियों ने सहमत होकर कहा, सिगरेट पीती है। ब्राह्मण की बहु बेटी क्या, ये तो बाजार की रंडी है। ये तो सबकी जात बिगाड़ देगी। ना बाबा, इनके घर का पानी कौन पिएगा। दमती सिगरेट चूल्हे में फेंक कर सहमी हुई रसोई में दुबकी बैठी थी। सास ऊपर गई और उसे चुटिया से पकड़कर नीचे आंगन में खींच लाई। डरी हुई दमती आंचल में मुंह छुपाए सास के साथ साथ खींची चली आई, बिल्कुल ऐसे जैसे कान से पकड़ ली जाने पर बकरी बेबस होकर खींची चली आती है। सास ने सबके सामने उसे लात मारकर कहा, निकल जा रंडी मेरे घर से। चिलम ठंडी हो जाने के डर से ससुर गुड़गुड़ी छोड़ नहीं पा रहा था। कश खींचता हुआ वो दमती को भारी भारी गालियां दे रहा था, साथ ही घर से निकल जाने और ना निकलने पर मूड़ काट लेने की धमकी दे रहा था। दमती जगह जगह से छिदी मैली सी घाघरी पहने और वैसी ही पिछौरी ओढ़े थी। मार कर निकाल दिए जाने पर वो आंचल से मुंह छुपाए खेतों की ओर चल दी। खेतों से परे एक तुन का पेड़ था, उसके नीचे खड़ी होकर वो सोचने लगी, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सास ससुर के पास तो अब जाऊँगी नहीं। संसार में मेरे लिए एक ही जगह है, एक ही रास्ता है कि छावनी चली जाऊँ, अपने आदमी से उसके माँ बाप के अन्याय की शिकायत करूँ। ये सोचकर वो तेज कदमों से चट्टी की ओर चल दी। तीसरे पहर दमती रुद्रप्रयाग जा पहुंची। दुकानों के पास पहुंचकर उसने छावनी का रास्ता पूछा। 16-17 बरस की जवान अकेली और परेशान लड़की छावनी का रास्ता पूछ रही थी। ये देखकर चट्टी के दुकानदार हीरामन को स्थिति भांपते देर न लगी। उसने दमती को ढांढस देकर पुचकार कर बैठा लिया।
फिर परेशानी की हालत में घर से आने और छावनी जाने का कारण पूछने लगा। दमती ने आंचल से आंसू पोछते पोछते सास ससुर के अन्याय की कथा सुना दी, साथ ही भूख की परेशानी में सिगरेट पी लेने की सच्ची सच्ची बात कह डाली। फिर बोली, मेरा आदमी छावनी में है, उसी के पास जाऊंगी। हीरा मन दमती की सास को गालियां देकर उसे सांत्वना देने लगा। हाँ हाँ, और क्या, अपने मर्द को छोड़कर औरत का कौन होता है, वहीं जाना। तू थकी मांदी आई है, ब्राह्मण की लड़की है, कुछ खा पीकर सुस्ता ले, रास्ता बता देंगे, आराम से भीतर बैठ, अपना ही घर समझ। उसने दमती को कुछ मूंगफली और मिठाई खाने को दी। एक लोटा जल देकर बोला, हम भी ब्राह्मण हैं, तू हमारे लोटे का पानी पी सकती है, घबरा मत। सड़क पर आते जाते लोग घूर घूर कर दमती को देख रहे थे। उनकी नज़रों से छिपाने के लिए हीरामन ने उसे भीतर की कोठरी में बैठा दिया। दमती छावनी पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। घंटे भर बाद ही बोली, अब जाती हूँ, रास्ता बता दो। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है, हीरामन ने पुचकार कर समझाया, भूखी कैसे जाने दूँ तुझे, पड़ोस की बहू बेटी अपनी ही होती है, भात बना खाकर जाना, तू क्या समझती है, 100 कोस का रास्ता है, धीरज से काम ले, उस तरफ से जाते मुसाफिरों के साथ कर दूंगा तुझे, तू बेचारी अनजान औरत जात अकेली कैसी जाएगी। हीरामन ने दमती को दाल चावल और बर्तन दे दिए। भात रांधते बनाते सांझ का अंधेरा हो गया। दमती के मन में छावनी जाने की उतावली थी, परंतु उसने कई दिन बाद भर पेट खाया था और ढांढस की बोली सुनी थी, उसे ऊंघाई आ गई। कोठरी की जमीन पर ही पड़कर वो सो गई। अचानक कंधे पर ठेस अनुभव कर उसकी नींद खुली। देखा कोठरी के कोने में छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। हीरामन उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, अब क्या सोती ही रहेगी। दमती उसके हाथ की पहुंच से परे हटकर नींद से बोझल आंखें मलने लगी। उसे परे हटते देखकर हीरामन वहीं जमीन पर बैठ गया, फिर जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट उसकी ओर बढ़ाकर बोला, अच्छा ले, एक सिगरेट तो पी। दमती ने आंखें मलते हुए इनकार में सिर हिलाया, तू पीती तो है, ले ना, हीरामन ने आग्रह किया। दमती फिर सिर हिलाकर बोली, कहाँ पीती हूँ, वो तो मेरे मर्द ने दिया था, एक पिया तो ये हाल हुआ, अब मैं छावनी जाती हूँ। बड़ी जल्दी है तुझे छावनी जाने की, हीरामन उसके समीप सरक कर बोला, क्या करेगी छावनी जाकर, वो तो तुझे और मारेगा कि घर से भागकर क्यों आई, कहेगा तूने दुनिया में नाक कटा दी। हीरामन ने फिर प्यार से दमती के कंधे पर हाथ रख समझाया, तू मौज कर, तुझे क्या है, हट। दमती एक ओर उठ खड़ी हुई, नहीं मानती तो तू जा, मुस्कुराकर हीरामन बोला, सुबह मुंह अंधेरे ही चली जाना, आधी रात में कोई रास्ता चलता है भला, रात में सड़क पर सिपाही पहरा देते हैं, जिसे देखते हैं चोर कहकर पकड़ लेते हैं, सुबह मुंह अंधेरे उधर के मुसाफिर चलेंगे, तुझे उनके साथ कर दूंगा, बैठ। तो दमती उसके पास नहीं बैठी। हीरामन के आग्रह करने पर उसने उत्तर दिया, वाह, पराए मर्द के पास कैसे बैठूं, और दूर ही खड़ी रही। हीरामन पल भर सोचकर बोला, अच्छा हमसे घबराती है तो तू यहाँ सो जा, हम जाते हैं, सुबह छावनी की तरफ मुसाफिर जा रहे हैं, उनसे कह देता हूँ तुझे साथ लेते जाएंगे। हीरामन पिछवाड़े के किवाड़ खोलकर निकल गया। दमती फिर जमीन पर लेटकर छावनी की बात सोचने लगी। मन में नई जगह होने की घबराहट थी, परंतु घर कैसे लौटती। कुछ देर बाद वो फिर सो गई। आधी रात में हीरामन ने दमती को फिर उठाया, बोला, बाहर एक जाना पहचाना मुसाफिर है, बड़ा भला आदमी है, तू भी ख्याल रखना, समझी, अकेली राह चलती औरतों को पुलिस वाले भगोड़ा कहकर पकड़ लेते हैं, तुमसे कोई पूछे तो अपने को उसी की पत्नी बता देना। दमती को अच्छा नहीं लगा, हट, किसी गैर मर्द को अपना मर्द कैसे कह दूंगी मैं, पागल है तू,
हीरामन ने अपनेपन और अनुभवी ढंग से समझाया। दूसरे की तुझे कौन बना रहा है, तू गांव की रहने वाली है, सड़क पर चलना क्या जाने, तेरे ही भले की कह रहा हूँ। औरत को अकेली चलने का सरकारी हुक्म नहीं है, कोई नाम वाम पूछे तो अपना नाम नंदा बताइयो, कहना कि मेरा आदमी साथ है, जो पूछना है उसी से पूछो। पुलिस वाले गैर मर्द के साथ चलती औरत को पकड़कर थाने ले जाते हैं, पुलिस वाले मारेंगे और खराब करेंगे, ये तो बड़ा भला ब्राह्मण है, तू उसे अपना भाई समझ। हीरामन दमती को दुकान से अंधेरी सड़क पर ले आया, फिर बाहर इंतज़ार कर रहे आदमी से बोला, ले भैया ये हमारे पड़ोस की लड़की है बेचारी, इसे छावनी में ठीक से इसके मर्द को सौंप देना, रास्ते में इसे कोई तकलीफ ना हो, ख्याल रखियो, ब्राह्मण की लड़की और गाय बराबर होती है, समझे। दमती अंधेरे अंधेरे उस आदमी के साथ चलती चली जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो बात करने लगा, इस वक्त ऐसे अंधेरे में बड़ी तकलीफ कर रही है तू, क्या बात है। वो कुछ दूसरी सी बोली बोलता था। दमती ने फिर सास ससुर के जुल्म की बात बतला दी, सिगरेट पीने पर मार कर निकाल दी जाने की कहानी भी सारी कह दी, फिर छावनी में अपने मर्द के पास जाने की सीधी सच्ची बातें बता दी। इस आदमी ने भी दमती के सास ससुर को गालियां दी। उसे ढांढस बंधाते हुए बोला, वाह तेरे जैसी भली लड़की के साथ ऐसा करना था उस राण को, तुझे तो खाने को दूध मिठाई मिलनी चाहिए, पहनने ओढ़ने को अच्छा कपड़ा गहना मिलना चाहिए, तेरी उम्र क्या गोबर ढोने और खेत निराने की है, राम राम तेरी घाघरी पिछौरी कैसे फट रहे हैं, श्रीनगर में बाजार से हम तुझे धोती ले देंगे, तू बेचारा क्यों ले देगा। दमती ने उसकी सहानुभूति का आदर करते हुए उत्तर दिया, मुझे अभी धोती का क्या करना है, मेरा मर्द ले देगा, वो मेरे लिए बड़ी अच्छी रेशमी धोती लाया था, मेरी सास ने वो भी छीन ली, एक दिन रास्ते में पड़ाव कर अगले दिन सांझ तक वो श्रीनगर पहुंच गए। वो आदमी दमती को लेकर बाजार के रास्ते से होते हुए एक गली में पहुंचा। वहां वो उसे एक बड़े से मकान में ले गया। इतना बड़ा और ऐसा मकान दमती ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका आंगन भी दीवार से घिरा हुआ था, आंगन की दीवार में भी किवाड़ लगे हुए थे। दमती लंबे पैदल सफर से थकी हुई थी, दीवार से पीठ सटाकर बैठ गई। वो आदमी जल्दी लौट आने को कहकर चला गया, फिर तुरंत ही एक छोकरे को ले आया। वो दमती से बोला, ये छोकरा तेरे नहाने धोने को पानी ला देगा, तब तक मैं बाजार से चावल दाल ले आता हूँ। दमती बैठी रही, छोकरा एक गागर जल लाया, फिर दूसरी गागर भर लाया, कुछ देर में ईंधन लाकर रख गया। तब उसके साथ आने वाला मर्द भी लौट आया, वो एक अंगोछे की पोटली में दाल चावल नमक हल्दी मिर्च वगैरह लिए था। इनके साथ एक दोने में घी था, कागज़ में लिपटी हुई एक नई छपी हुई धोती भी थी। वो बोला, तू नहा धोकर नई धोती पहन ले और रसोई बना ले। दमती ने नहा धोकर नई धोती पहन ली, फिर उस आदमी की बताई रसोई में दाल भात रांधा, एक थाली में उसे देकर स्वयं भी खाया, फिर चटाई पर जा लेटी। खा पी कर वो आदमी कुछ देर के लिए बाहर चला गया। लौटा तो आंगन के किवाड़ों में साकल लगाकर चटाई पर दमती के पास जा बैठा। दमती उठकर परे हुई तो वो उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, बिगड़ती क्यों है, सुन तो, अच्छा ले सिगरेट तो पी। दमती ने हट कहकर उसका हाथ झड़क दिया और वहां से उठने लगी। आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर हंसी में गाली देकर मनाने लगा, पी ना, तू पीती तो है। दमती अपना हाथ छुड़ाकर दूसरी दीवार के पास चली गई। कहाँ पीती हूँ मैं सिगरेट, मेरे आदमी ने दी थी तो एक पी ली थी, उसने बेरुखी से उत्तर दिया। वो आदमी रास्ता रोककर सामने खड़ा हो गया, गुस्से में गाली देकर बोला, तेरी
इतने दिन से तुझे यूं ही खिला रहा हूं, उतार मेरी धोती। दमती डरी नहीं, अकड़कर बोली, पहले मेरे कपड़े दे दो, मैं तेरी धोती अभी फेंके देती हूं। मैंने क्या तुझसे मांगी थी? वो औरत की जिद से यूं हार मानने के लिए तैयार ना था। गाली देकर उस पर झपटा और अपनी दी हुई धोती जबरन खींचने लगा। दमती धोती को पकड़े अपने कपड़े मांगती हुई लड़ने के लिए तैयार हो गई। धोती जबरदस्ती खींची जाने पर उसने आदमी के हाथों को नोचा, दांतों से काटा, अपनी कोहनियों से मारा, पर उस पर कोई बस न चला। धोती का आधे से अधिक भाग आदमी के हाथ में चला गया। अब वो रोते हुए गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगी, लेकिन वो नहीं माना। वो तो उस बिगड़ैल औरत को सीधा कर देने पर तुला हुआ था। आखिरकार उसने धोती छीन ही ली। दमती लज्जा से सुकड़ती सिमटती एक ओर बैठ गई। आदमी दमती को गाली देकर कोठरी के किवाड़ बंद करके चला गया। दमती बैठी रोती रही। कोठरी के गुप अंधेरे में दिन का कुछ अनुमान नहीं हो सका था। रोते रोते थक गई तो सिसकियां लेते हुए पछताने लगी, क्यों अनजाने परदेश चली आई, वहां चाहे मर ही जाती, क्यों वो मरी सिगरेट पी मैंने। थकावट के मारे उसका शरीर निढाल हो रहा था। बैठा ना रह गया तो वैसे ही सुकड़कर दीवार के सहारे लुढ़क गई और फिर सो गई। दमती की नींद खुली तो कोठरी के किवाड़ों की झिरियों से दिन की झलक दिखाई दी। प्रकाश की किरणें झिरियों से अंदर आ रही थीं। वैसे ही लेटी लेटी वो फिर अपनी भूल पर पछताने लगी। धीरे धीरे प्रकाश की लकीरें और चौड़ी हो गईं, लेकिन किवाड़ नहीं खुले। प्रकाश की लकीरें कोठरी की कच्ची जमीन पर फैल गईं। दमती उनकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी और पछता रही थी। कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, कभी सिसकियां आने लगती। उसे प्यास भी लग रही थी। पाखाने पेशाब के लिए बाहर जाने की जरूरत थी। दमती हिम्मत करके उठी और किवाड़ों को खटखटाया, पूरी शक्ति से भीतर खींचा, पर किवाड़ न खुले। उसने समझ लिया कि वो ऐसे ही मर जाएगी। इस तरह सोच सोच कर वो फिर रोने लगी, परंतु अब रोने से भी क्या बनना था। इस तरह वो निर्जीव सी चटाई पर जा पड़ी। मन में आया कि फांसी लगाकर जान देते, पर धोती कहाँ थी जो फांसी लगा लेती। ख्याल आया कि जब गांव से निकली तभी फांसी क्यों ना लगा ली। देखते देखते किवाड़ों की झिरियों से आने वाली प्रकाश की लकीरें धुंधली हो गईं। फिर घटा टोप अंधेरा छा गया। थक कर और निराश होकर उसने आहें भरना भी छोड़ दिया। बस मर जाने की प्रतीक्षा करने लगी। पाखाना पेशाब न कर सकने और प्यास के कारण उसका सिर चकरा रहा था। किवाड़ों की झिरियों से फिर प्रकाश आने लगा, पर अब उस तरफ दमती का ध्यान नहीं गया। वो अर्ध बेहोश हो रही थी। तभी किवाड़ों के खुलने का खटका हुआ। खटका सुनकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर बेदम हो रहा था। वो बड़ी कठिनाई से सुकड़ कर बैठ पाई। वही आदमी भीतर आया, दमती के कपड़े उसके शरीर पर फेंक कर बोला, उठ जा, नहा धोकर कपड़े पहन ले। कोठरी के किवाड़ खुले छोड़ आंगन के किवाड़ बंद करके वो फिर से चला गया। करीब डेढ़ घंटे बाद वो आदमी फिर लौटा। तब तक दमती पानी पीकर निबट कर नहा धो चुकी थी। उसने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। वो दीवार से पीठ टिकाए सिर को दोनों हाथों से थामे बैठी थी। उसकी तबीयत भी कुछ ठिकाने आ चुकी थी। वो आदमी एक अंगोछे में कुछ बांधे और एक लोटे में दूध लिए था। अंगोछा दमती के सामने रख कर बोला, ले तेरे लिए पूरी तरकारी बनवा लाया हूँ, कुछ खा ले और ये दूध पी ले। दमती हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे यहाँ से जाने दे। वो समझाने लगा, अरे भूखी कैसे चलेगी, हमने तुझे क्या कहा, तू यूं ही बिगड़ने लगी है। दुकानदार ने तुझे छावनी पहुँचाने को कहा था, स्वयं पहुँचा देंगे, तू कुछ खा तो ले, अकेली जाएगी तो भटक जाएगी, पुलिस वालों के हाथ पड़ गई तो जानती है क्या होगा, तू कुछ जानती तो है नहीं, हम पहुंचा देंगे, तू पहले खा तो ले। दमती भूखी तो थी ही, सामने खाना देखकर वो खाने लगी। आदमी कोठरी खुली छोड़ आंगन का दरवाज़ा बंद करके चला गया। कुछ देर बाद लौटा और दूर बैठकर दमती को समझाने लगा, देख पागल मत बन, औरत एक बार घर से निकली
तो घर में उसके लिए जगह नहीं रहती। ब्राह्मण के घर की औरत तो वैसी ही मिट्टी का बर्तन होती है, एक बार किसी को छू गया तो फिर काम का नहीं रहा। कहीं तेरे मर्द ने ही मूड़ काट लिया तो गांव जाएगी भी तो क्या, गोबर और ईंधन ही ढोएगी। हमारे साथ देश चल, बढ़िया खाना, गहना, कपड़ा, दूध मलाई, रबड़ी खाने को मिलेगी। दमती हाथ जोड़कर फिर गड़गड़ाई, नहीं तू मुझ पर दया कर, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं अपनी राह चली जाऊँगी, छावनी पहुँच जाऊँ चाहे गांव लौट जाऊँ। अच्छा, हमसे नाराज हो गई है, उस आदमी ने समझौते के स्वर में कहा, तो हमारे साथ ना चल, एक दूसरा ब्राह्मण है तेरी पट्टी का, वो आज शाम छावनी जा रहा है, उसी के साथ चली जाना, बस मैं उसे बुलाए लाता हूँ। वो फिर उठकर चला गया। दमती को बाहर के किवाड़ों की साकल लगने की आहट फिर सुनाई दी। दमती घबरा गई, अब की बार जाने कैसे आदमी से पाला पड़े। उसने आंगन के किवाड़ों को खींचकर आजमाया, वो खुले नहीं। इधर उधर देखा, आंगन की दीवार उसके सिर से ऊंची थी, बाहां उठाने पर भी हाथ दीवार के सिरे तक नहीं पहुंचे। आंगन के कोने में पाखाना बना हुआ था, उसकी दीवार उसके सिर के बराबर ही थी। पाखाने की पिछली दीवार में नीचे की तरफ झरोके थे, परंतु बहुत छोटे। वो यहाँ से भागने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, परंतु झरोखे बहुत ही छोटे थे। उसे एक उपाय सूझा, उसने पाखाने की दीवार के साथ गागर को औंधा करके रख दिया, फिर उस छोटी दीवार से आंगन की दीवार पर चढ़ी और कूद गई। गली में से तेजी से चली, कुछ ही कदम पर बाजार आ गया। वो रास्ता चलने वालों से छावनी की राह पूछने लगी। फटे कपड़ों में अकेली परेशान औरत छावनी की राह पूछ रही थी। ये देखकर लोग इकट्ठा हो गए। आदमियों को इकट्ठा होते देखकर पुलिस का आदमी भी पहुंच गया। वो दमती को थाने ले गया। दरोगा ने उसका नाम, गांव और श्रीनगर आने का कारण पूछा। दमती ने फिर अपनी सच्ची सीधी कहानी सुना दी। दरोगा कुछ मुस्कुराए, बोले, तो सिगरेट पीती है, ले। और उन्होंने एक सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी। दमती ने इनकार कर दिया, वो तो मेरे मर्द ने दी थी। अब इस बात की तलाश शुरू हो गई कि दमती को श्रीनगर कौन आदमी लाया, उसे कहाँ बंद करके रखा गया था। पुलिस ने दमती को बाजार की कई गलियों में घुमाया, परंतु वो कुछ पहचान न सकी। मैं तो खुद ही आई हूँ, छावनी जाऊँगी, वो जिद करती रही। घर से भागी औरत को अपनी मर्जी से कहीं जाने नहीं दिया जा सकता। गिरफ्तार औरत को थाने में रखना भी कायदे के खिलाफ था। उसे गारद की रखवाली में तुरंत पौड़ी के जेल हवालात में भेज देना चाहिए था, परंतु सिपाही मौजूद नहीं थे और रात होने को थी, इसलिए सिपाही उसे रुद्रप्रयाग से लाने वाले बदमाश को ढूंढने के लिए इधर उधर घुमाते रहे। उसे बार बार प्यार से सिगरेट और मिठाई दिखाई गई। हर बार दमती क्रोध से मुंह फेर लेती, जोर जब्र करने पर वो हाथापाई के लिए तैयार हो जाती। अगले दिन उसे दो सिपाहियों की रखवाली में पौड़ी पहुंचा दिया गया। फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां उसने फिर अपनी सच्ची कहानी सुना दी, साथ ही कह दिया कि वो घर नहीं लौटेगी, अपने मर्द के पास छावनी जाएगी। उसे समझाया गया कि उसे यूं भाग कर नहीं जाने दिया जाएगा, वो अपने मर्द को ढूंढ नहीं पाएगी, सरकार बजदत्त को यहीं बुलवा देगी, तब उसे उसके मर्द के हवाले कर दिया जाएगा, तब तक उसे जेल की हवालात में रहना पड़ेगा। दमती बजदत्त का सिपाही नंबर नहीं बता सकी, इसलिए बजदत्त की तलाश करने में कुछ समय लग गया। इस बीच बजदत्त के माँ बाप ने दो पोस्टकार्डों पर पूरा हाल लिखवा कर लड़के को भेज दिया। लिखा कि उसकी बहू बच्चलन और आवारा हो गई है, घर से पैसा चुराकर चट्टी से सिगरेट खरीदकर पीती है, उसने घर का जेवर भी चुराकर बेच दिया, पास पड़ोस में कलंक का टीका लग गया है, अब सड़क पर किसी मुसाफिर के साथ भाग गई है। पत्र में बूढ़े पिता ने युवा पुत्र को आश्वासन भी दे दिया, तू जी छोटा मत करना, ऐसी का क्या, हम बातचीत कर रहे हैं, तू इस बार छुट्टी आएगा तो दूसरा ब्याह कर देंगे।
इसके बाद बजदत्त को कचहरी का कागज मिला। उसमें लिखा था कि पौड़ी अदालत में आकर अपनी बहू को पहचान ले, उसकी सुपुर्दगी ले ले। अब तो उसे अपने पिता की बात पर पूरा विश्वास हो गया। रुद्रप्रयाग में हीरामन ने मनहर पंडित को दमती के बारे में बताया था। कहा था कि ये खूब जवान अल्लड़ ब्राह्मणी घर से भाग आई है। ये भी बताया कि वो सास ससुर से परेशान होकर भागी है, उसकी दुकान पर बैठी है। मनहर ने दमती को हीरामन से 80 रुपए में ख़रीद लिया। उसका ख्याल था कि लड़की को महीना 15 दिन श्रीनगर में रखेगा, कुछ दिन तफरी रहेगी, इस बीच लौंडिया दुनिया का ढंग समझ जाएगी, तब वो उसे देश में जाकर 400-500 में बेच डालेगा। मनहर ने इस तरह जाने कितनी औरतें पार कर दी थीं, परंतु श्रीनगर में दमती की जिद के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। तब उसे अपनी भूल समझ में आई। उसने समझा कि वो उतावली कर गया, लौंडिया उससे बिगाड़ बैठी है, अब उसके हत्थे मुश्किल से चढ़ेगी। उसे इस झंझट में समय बर्बाद करने से कुछ लाभ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मनहर ने सोचा कि लड़की को श्रीनगर में ही बेच दिया जाए। उसने शिवदत्त से सौदा भी पटा लिया। दमती को कपड़े और पूरी मिठाई देकर मनहर शिवदत्त की खोज में गया था। शिवदत्त को घर में ना पाकर वो लौट रहा था, तभी उसने बाजार में छावनी की राह पूछती भागी हुई औरत का किस्सा सुना। उसे ये भी खबर लगी कि पुलिस औरत को पकड़कर थाने ले गई है। उसका माथा ठनका। अपने अड्डे पर जाकर उसने देखा तो दमती गायब थी। पाखाने की दीवार के पास उसकी औंधी गागर पड़ी देखी, वो समझ गया कि दमती दीवार फांद कर भाग गई और अब पुलिस के हाथ में है। मनहर अपने 80 रुपए यूं पानी में बहा देने के लिए तैयार न था। पुलिस का उसे कोई डर न था, उन्हें वो मौका पड़ने पर पटा सकता था। उसे क्रोध आया हीरामन पर। उसने समझा कि ये लौंडिया पक्की चालबाज है, पुलिस को चकमा देकर फिर हीरामन के पास जाएगी और वो इसे फिर बेचेगा। तभी वो काइयां इतने सस्ते दामों में मान गया था। दांत पीसकर उसने मन में कहा, अच्छा बेटा, आपस में ये धोखा, मैं तेरी वो खबर लूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, देखूं ये औरत जाती कहाँ है। वो आदमी अनुभवी था। दमती की जिद से उसने ये भी समझ लिया कि वो ऐसी वैसी नहीं है। अगर ऐसी वैसी होती तो इतनी हाय हत्या क्यों करती। फिर भी देखा जाए कि हीरामन के यहाँ लौटती है या अपने आदमी के पास जाती है। मनहर ने दमती को पौड़ी भेज दिए जाने की बात सुनी, तब वो भी उस पर नज़र रखने के लिए पौड़ी पहुँच गया। बजदत्त और दमती जब अदालत के सामने पेश किए गए तब मनहर वहीं मौजूद था। दोनों को एक दूसरे को पहचानते देख मनहर को कुछ हैरानी हुई, परंतु मामले को अंत तक देखने के लिए वो धैर्य से इंतज़ार करता रहा। बजदत्त ने अदालत में दमती को अपनी बहू मान लिया। तब अदालत ने हुक्म दिया कि औरत बजदत्त को सौंप दी जाए, लेकिन बजदत्त ने दमती को साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि घर से भागी हुई बच्चलन औरत को वो नहीं ले जाएगा। दमती ने सुना तो उसे गहरा धक्का लगा। एक गहरी सांस ले दोनों हाथों से सिर थाम कर वो बजदत्त की ओर देखती रह गई। सिर चकरा गया, आंखें मुंद गईं और धरती पर बैठ गई। जब दमती ने सिर उठाकर देखा तो बजदत्त कहीं दिखाई नहीं दिया। अब सरकार भी दमती को जेल में जगह देने के लिए तैयार न थी। सरकार बजदत्त की भागी हुई औरत को बजदत्त की संपत्ति मानती थी, इसलिए उसे बजदत्त को सौंप देना सरकार का काम था। परंतु बजदत्त ने स्त्री पर अपना अधिकार हटा लिया। इस पर सरकार को भी दमती से कोई मतलब नहीं रहा। मजिस्ट्रेट को दमती पर थोड़ी दया आई। उसने दमती को सुझाया कि वो चाहे तो अपने मर्द से अपना खर्चा मांग सकती है। दमती ने इनकार में सिर हिला दिया। दमती को हुक्म हुआ, अब उसे इजाज़त है, जहाँ चाहे चली जाए। दमती की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था, परंतु उसे अदालत से बाहर निकलना ही पड़ा। मनहर पंडित ये सब कांड देख रहा था। दमती पथराई हुई आंखों और कदमों से अदालत से बाहर निकली। अब उसके सामने एक ही सवाल था कि जाए कहाँ। तभी दमती ने सुना
वाह, कहो कहाँ चली गई थी तू? दमती ने घूमकर देखा और मनहर को पहचान कर चुप रही। मनहर आश्वासन देते हुए बोला, तू यूं ही बुरा मान गई, हम तुझे परेशान थोड़े ही करना चाहते थे। देख, तुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आए। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अब मायके ससुराल में तेरे लिए जगह नहीं है, लेकिन तुझे परेशान होने की क्या जरूरत, चल तेरा अपना घर है। दमती ने क्षण भर सोचा और फिर मनहर के साथ साथ चल दी। मनहर उसे बाजार की एक गली के मकान में ले गया, फिर उसे बैठने के लिए आदत से चटाई दी। दमती चुपचाप से झुकाए दीवार से पीठ सटाकर बैठ गई। बहुत थक गई है तू, ले एक सिगरेट तो पी, जरा जी हल्का हो जाएगा। मनहर डिबिया से सिगरेट निकालकर दमती के हाथ में थमाते हुए बोला। दमती कुछ देर चुपचाप से झुकाए बैठी रही, फिर उसी तरह बैठे बैठे सिगरेट थाम ली। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सोचा, अब किसके दम पर किसके लिए इनकार करें।